हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करेंगे भी सारे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हरियाणा के अंदर एक नया पोर्टल लॉन्च कराया गया है। इस पोर्टल का क्या काम है, इस पर क्या करना है, क्या क्या इसमें सुविधा आपको देखने को मिलेंगी, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। पोर्टल का नाम है दोस्तों ग्राम दर्शन, बताए अपने मन की बात। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो है नया पोर्टल शुरू हुआ है, इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अन्यथा आप देख सकते हैं ग्राम दर्शन डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल का लिंक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ग्राम दर्शन की कल्पना, सभी ग्रामवासियों अपने गांव का आवश्यकता अनुसार सुझाव या मांग सरकार या राज्य सरकार के सामने सीधे रख सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के अंदर ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिसमें आप अपनी मांग, अपने गांव की मांग यहाँ पे अपने सुझाव दे सकते हैं अपने गांव के हित में। तो यहाँ पे क्या करना है, किस प्रकार से आप सुझाव देंगे वो आपको बताते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऊपर होम डाउनलोड, जनप्रतिनिधि लॉगिन करेगा, विभाग लॉगिन करेगा। ठीक है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है ऊपर वाली, तो अपने काम की चीज़ है कि आप अपना सुझाव किस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने गांव के हित में मांग सुझाव शिकायत के लिए यहाँ क्लिक करें, पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे अपनी पंचायत चुने, यानी कि अपने गांव है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपका ज़िला कौन सा है, वो ज़िला आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो, हमारा ज़िला जो है चरखी दादरी है। ठीक है, तो चरखी दादरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद खंड, यानी कि ब्लॉक कौन सा है, वो आप यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको जो है आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ये आ गई है ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आगे बढ़े, तो आगे बढ़े पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का पेज आएगा, परिवार पहचान पत्र। यदि आपका परिवार पहचान पत्र नहीं बना है तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना परिवार पहचान पत्र बनवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीपी से भी कर सकते हैं, आधार कार्ड द्वारा भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर द्वारा भी खोज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली पीपीपी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी डालेंगे। तो चलिए हम अपनी फैमिली आईडी डाल देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो जैसे ही हम फैमिली आईडी यहाँ पे डालेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है कि भाई अपना नाम चुनें। ठीक है, आपका जो नाम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ओटीपी भेजें, पर ओटीपी भेजें पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी भेजें पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपको आगे भेजे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आगे भेजे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे विकास कार्य मांग सुझाव के लिए यहाँ क्लिक करें, सरकारी योजना हेतु मांग के लिए यहाँ क्लिक करें, शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो विकास कार्य के लिए क्लिक करें पर आपको क्लिक कर सकते हो, या सरकारी योजना हेतु मांग के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कोई सूचना या शिकायत के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जी इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफिस हो तो एग्रीकल्चर होगी, एनिमल हजबेंड्री होगी, चीफ होगी, सिंसिव होगी, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जो भी है, सीएम ऑफिस हो गया, तो जो भी है वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह डालना है, और यहाँ पे विधानसभा को चुनना है, और वी विलेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और अपनी जो भी बात है आप यहाँ पे लिख सकते हो 400 करेक्टर में। उसके बाद यदि कोई डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के फाइनली सबमिट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं कोई भी वो नहीं कर रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से इस पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नए वीडियो मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।